दुर्गा पूजा के अवसर पर रांची में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। मां के दर्शन करने को लेकर पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उभर रही है। हरमू का पूजा पंडाल बंग समुदाय की संस्कृति को प्रदर्शित कर रहा है। इसका जायजा लिया हमारी रांची संवाददाता रुचि ने। रांची में एक से बढ़कर एक पंडाल आपको देखने को मिल जाएंगे और ऐसे में बड़े छोटे मिलाकर 166 पंडाल बनाए गए हैं। कुछ प्रमुख पंडाल हैं जिनका हम भ्रमण करा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये रांची के हरमू स्थित पंच मंदिर के समीप हर वर्ष पंडाल बनता है और इस बार भी भव्य पंडाल बना है जिसकी लागत करीब 40 लाख है। और ऐसे में एक क्या थीम रखा गया है, हालांकि बंगाली कल्चर को शो किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, लेकिन पूजा समिति के ही कुछ सदस्य हैं जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि सर इस बार का क्या थीम रखा गया है। बंग रंग उत्सव, ये माँ दुर्गा का सिंदूर खेला होता है उसे ध्यान में रखते हुए किया गया है। लागत लगभग कितनी लगी? लागत 40 लाख के आसपास। ये 40 लाख के, और कितने अब तक कितने श्रद्धालु जो हैं वो माँ के दरबार में आते? ये तो गिनना मुश्किल है, मगर रात भर क्राउड है। मेला हर साल लगता है, इस बार भी मेला की व्यवस्था की गई है और यहाँ बगल में बड़ा मैदान है, वहाँ पर भी मेला और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की है, ध्यान में रखा गया है। चलिए, तो बंग उत्सव को दिखाने का यानी बंगाली कल्चर को प्रदर्शित किया गया है और काफी भव्य दिखेगा। लिए चलते हैं आपको पंडाल के अंदर की ओर, क्योंकि अभी तक तो हम पंडाल के बाहर का दृश्य दिखा रहे थे, पंडाल के अंदर कैसा दृश्य है? चलिए, आप माँ अच्छी भी लग रही हैं, यहाँ कैसा लगा पंडाल? बहुत अच्छा, रांची का सब पंडाल बहुत खूबसूरत है। कहाँ रहती हैं, रांची या कहीं? बरियातू। बरियातू, अच्छा, तो घूम ली आधा पंडाल या फिर? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।